देखो बच्चे, दो क्वेश्चन है। फाइंड आउट परसेंटेज एरर ऑफ जेड, मतलब असी जेड दी वैल्यू पता करनी है। इफ परसेंटेज एरर इज पी इज 1%, क्यू इज 2%, आर इज 3% एंड एस इज 4%। सो आ फॉर्मूला थानू गिवन है कि ये इनू सॉल्व करना। सब तो पहला की करना बच्चे, इनू एक लाइन दे विच लिखना सीखो। एक लाइन दे विच मतलब इस तरीके ना, ठीक है? जो एस अंडर रूट है बच्चे, अंडर रूट का मतलब होंदा है 1/2। सो असी इहदी पावर 1/2 लिख दिती। जदों आर एंड एस नू असी उपर लैके जावांगे तो बोथ पावर विल बिकम्स नैगेटिव, ठीक है? पी एंड क्यू एस सच रहेगा, आर दी पावर भी माइनस से चले जाएगी, एस दी पावर भी माइनस दे विच चले जाएगी। सो असी इहनू परसेंटेज दी फॉर्म दे विच लिखना हुण। सो नैक्सट देखो, रैलेटिव एरर इन जेड इज गिवन बाई। सो इस ही फॉर्म नू असी परसेंटेज रैलेटिव एरर दी फॉर्म दे विच लिखन लगे हां। सो जेड की आ जाएगा डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस पी दी पावर कितनी है 1। सो अगे असी लगाता 1। सो पी नू किस फॉर्म दे विच लिखना, रैलेटिव एरर, ठीक है? रैलेटिव एरर की हुंदा डेल्टा पी ओवर पी। नैक्सट की आ प्लस 3, 3 नू असी अगे लिख दिता। क्यू दा रैलेटिव एरर की होएगा, डेल्टा क्यू ओवर क्यू प्लस आर दी पावर कितनी है 2। सो अगे आ गया 2 डेल्टा आर ओवर आर। दैन एस की पावर कितनी है 1/2। सो असी लिख दिता 1/2 डेल्टा एस ओवर एस। नैक्सट बच्चे, असी नू परसेंटेज एरर दे विच लिखना। पहला असी रैलेटिव एरर लिख लिया। परसेंटेज एरर, परसेंटेज मीनस वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म विद 100। सो इनू भी 100 ना मल्टीप्लाई कर दिता। 1 डेल्टा पी ओवर पी नू भी 100 ना मल्टीप्लाई कर दिता। नैक्सट टर्म आ 3 अंडर रू 3 डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू है, ठीक है? इनू भी 100 ना मल्टीप्लाई कर दिता। सो ईच टर्म नू 100 ना मल्टीप्लाई कर दिता। क्लियर हो गया? सो बच्चे, जो कॉन्सटेंट टर्म आ उन्हू बाहर अलग तो लिख दिता, जो डेल्टा वाली टर्म असी 100 दे नाल ब्रैकेट दे अंदर लिख दिती। क्यों लिखी आ? क्योंकि सानू ऑलरेडी गिवन आ परसेंटेज एरर ऑफ पी इज 1%। इहदा मतलब डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100 सानू गिवन आ किन्ना आ 1%। नैक्सट की आ डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू 100, मतलब सानू क्यू दी परसेंटेज गिवन आ दैट इज 2%। सिमिलरली डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 सानू गिवन आ 3%। एस गिवन आ सानू डेल्टा एस ओवर एस इंटू 100 किन्ना आ 4% गिवन आ। सो असी वैल्यू पुट कर रहे हाँ हुण। देखो बच्चे, असी वैल्यू पुट कर दिती कली कली टर्म की, ठीक है? सो हुण इहनू सॉल्व करांगे। जदों 1 नू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे वी गैट 1, 3 टूज आ 6%, 2 3s आ 6%, 2 1s आ 2, 2 2s आ 4। सो 2% आ जाएगा लास्ट विच। सो सब नू सॉल्व करो, 1 1s आ 1, 3 2s आ 6, 2 3s आ अगेन 6। सो आ कट के बच्चे किन्ना आ गया 2%। नाउ ऐड ऑल दीज टर्म्स वी गैट 15%। इहदा मतलब साडी एस दी वैल्यू, जो जेड दी वैल्यूज उन्होंने पता करन लिखिया सी, जेड दी परसेंटेज पता करन लिखिया सी, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ जेड। सो आ थोड़ी परसेंटेज ऑफ जेड दा बच्चे, सो जेड दी परसेंटेज किन्नी आ गई 15%। एक बारी अपनी बुक दे विचों बच्चे आंसर चेक कर लो, अगर ठीक आ तां मैनूं कमेंट करके जरूर दसो कि तुहाडा आंसर ठीक आया आ, ठीक है? थैंक यू सो मच।